बहुत से मजदूर इस लॉकडाउन के अवधि में किसी साइकिल से या पैदल ही अपने घर जाने के लिए व्याकुल हैं और ऐसे ही काफी संख्या में मजदूर साइकिल से ही आगरा से अपने घर जाने को तैयार हुए, लेकिन आरा में बहुत से लोगों ने इन मजदूरों को रोका और उनका हाल चाल लिया। मजदूरों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर उन्हें खाने पीने का व्यवस्था तो था, लेकिन बिहार में अभी बहुत कुछ कमी है। ऐसे मजदूरों को कई स्वयंसेवी संस्था के लोगों ने भोजन कराया और उन्हें आगे जाने दी। मजदूर दिवस के अवसर पर कई स्वयंसेवी संस्था के लोग मजदूरों को भोजन कराते दिखे गए। ऐसे ही कुछ आगरा से साइकिल से आ रहे मजदूरों को धरहरा पुल के पास स्वयंसेवी के जेपी जयप्रकाश जी ने अपनी तरफ से इन मजदूरों को भोजन कराया और कहा कि यही मजदूर दिवस पर सच्चा संदेश और प्रेम होगा। जदयू के श्रमिक प्रकोष्ठ के जयप्रकाश चौधरी जी के द्वारा इन लोगों के बीच अभी यहाँ पर रोकर खाने को वस्तु दी जा रही है। आगरा से साइकिल से चले हुए हैं और खगड़िया इन लोगों को जाना है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग लॉकडाउन में किस प्रकार अपने घर की ओर जा रहे हैं। ऐसे में कहाँ से आ रहे हैं अभी? फिरोजाबाद जिला। कब चले थे आप? 24 अप्रैल को। अच्छा, तो क्या क्या व्यवस्था सरकार की तरफ से यूपी में या बिहार में कहीं व्यवस्था मिला आपको? बिहार में खाना, हाँ यूपी में खाना पानी मिल रहा था कुछ जगह पे सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से बिहार में कहीं ना एक बॉर्डर पे मिला और एक यहाँ मिला। यहाँ तो ये दिए हैं आपको, कौन दिए हैं? जयप्रकाश चौधरी हैं यहाँ के, आप मजदूर यूनियन के नेता हैं, ठीक है? हाँ, प्रदेश अध्यक्ष है। अच्छा, उन्होंने आपको रास्ता कराया है जी, ठीक है। क्या धन्यवाद देना चाहते हैं इनको? जी सर, जी सर। कहाँ जाना है आपको? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। आप लोग आगरा से कब चले थे? आगरा फिरोजाबाद से चले थे 24 अप्रैल को। क्या नाम है? संतोष कुमार यादव। जितना सक्रियता के साथ में हमारी सरकार काम कर रही है, भूमिका निभा रही है, उतना अभी पूरे भारतवर्ष में आपको बता रहे हैं कोई सरकार नहीं कर रही है। लोग अनुकरण कर रहे हैं हमारे माननीय नेता श्रेणी। आज मजदूर दिवस है, क्या कहेंगे? आज मजदूर दिवस है। आज बहुत सौभाग्य है कि मजदूर के थोड़ा सेवा करने का मौका हमें मिला है। मैं प्रदेश प्रभारी हूँ विधानसभा के, जनता दल यूनाइटेड ब्रह्मपुर विधानसभा का, और साथ में मजदूर का श्रमिक प्रकोष्ठ का मैं जिला अध्यक्ष भोजपुर जिला का हूँ, मैं जयप्रकाश चौधरी। और मुझे बहुत सौभाग्य की मौका मिला है कि मजदूरों को सेवा करने की मौका मिली है, और हम चाहेंगे कि हमारे मजदूर हमेशा स्वस्थ रहें और अपनी दूरी बना कर रखें, सरकार की नीति निर्देश का पालन करें। और आप जब हैं तो हमारा समाज है, आप हमारा समाज है तो हमारा देश है। देखिए, बहुत सौभाग्य है कि आज 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर हमने अपने गांव के मजदूरों को सुबह में भी कुछ नहाने का साबुन, कुछ कपड़ा धोने का डिटर्जेंट पाउडर्स वगैरह का वितरण किया था 50 मजदूरों के बीच में। और बहुत हमारे लिए सौभाग्य है कि आज ये लोग हमारे बिहार के मजदूर के लड़के नौजवान हैं, और ये लोग आगरा से चल करके अपने साइकिल से इतने दूरी से ही लोग आ रहा है, और नॉर्थ बिहार खगड़िया जिला ये लोग जा रहा है। हमारे लिए सौभाग्य है कि आप लोग जो प्रेस वाले लोग हैं हमको सूचना दिए, हम अपने घर पे थे, और इन लोगों को कुछ सेवा करने का, कुछ जलपान कराने का मौका मिला हमें। ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, ईश्वर ने हमें मौका दिया लोगों को सेवा करने का। ये हमारे भाई हैं, हमारे प्रदेश के हैं, हमारे बिहार के हैं, और युवक हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, और हम इनको कहना चाहेंगे कि ये लोग अपने बिहार में रहें और अपने घर पर काम करें। आपके घर में ही अनेक तरह की काम है, कृषि संबंधी काम है, अनेक तरह की काम हमारे यहाँ सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही है। अब तो आने वाले दिन में हमारे नीतीश कुमार जी ने यहाँ नई नई जितने पहले बंद पड़े थे कल कारखाने, सबको चालू कराने में लगे हुए हैं। लेकिन बिहार सरकार पूरी तरीके से विफल है इस संकट की घड़ी में। नहीं, बिल्कुल, क्या कहेंगे? क्योंकि आप जैसे आपने कहा जदयू से, आपकी पार्टी किस स्तर पर काम कर रही है? हमारी पार्टी हर मोर्चे पर फैलना जा रहा है बिहार सरकार। बिल्कुल नहीं, देखिए जनता की जो बात आप इस तरह की जो बात कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। हमारी सरकार पूरे बिहार प्रदेश
ने जो इतनी तत्परता दिखा रही है, जो पूरे भारत वर्ष में कहीं नहीं इतना तत्परता दिखाई गई है। आप बताते हैं आपको जन वितरण प्रणाली के बारे में, जिस ग्राफ से बिहार में बढ़ रहा तादाद, तो उस हिसाब से भारत में भी कहीं इतना तेजी से नहीं बढ़ा था ग्राफ। बढ़ने की ग्राफ में आपको लोकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस आपको बनानी है। सरकार जो अपनी नीति निर्देश दी है, उस निर्देश का पालन जनता को करना है। सरकार जो जन वितरण प्रणाली के माध्यम से 50% लोगों को जो मुफ्त में दे रही है, एक महीना का लिया जा रहा है।